तो दोस्तों जब मैं 20 इयर्स का था तब से मैं बिजनेस करते आ रहा हूँ, पर जब मुझे 24 इयर्स हुआ तब जाके मैंने मेरा पहला 1 करोड़ रुपीस अर्न किया ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कहने जा रहा हूँ, अगर मुझे वो पहले ही पता चल चुका होता तो मैं जल्दी एक मिलियनेयर बन चुका होता। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा जो मैं खुद यूज करूंगा अगर मुझे कंप्लीट जीरो से स्टार्ट करना पड़े। पर उससे पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस कॉन्सेप्ट का कोई भी पर्सन मिलियनेयर नहीं बन सकता है। तो दोस्तों जब मैं कॉलेज में था, स्पेशली 3rd ईयर और फाइनल ईयर पे, तो उस वक्त जो भी मेरे दोस्त और क्लासमेट्स थे उनका गोल यही था मिलियनेयर बनने के लिए, कि बेसिकली उनको अच्छा पढ़ाई करना है, जॉब लेना है, अच्छा कैंपस इंटरव्यू अटेंड करके और 50 इयर्स तक काम करना है और उसके बाद वो फाइनेंशियली फ्री रहेंगे और एक मिलियनेयर बन सकते हैं। तो ये जो पाथ था ना, मुझे बेसिकली पसंद नहीं था और मुझे पता था कि मैं इसमें सेटिस्फाइड भी नहीं रहूँगा। और मैंने एक बुक भी पढ़ा था उस वक्त, मिलियनेयर फास्ट लेन, उसमें लिखा था कि गेटिंग रिच फास्ट इज पॉसिबल बट गेटिंग रिच इजी इज नॉट। देखो दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड है, तो जितना भी उस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनर्स थे ना, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था और एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया था ताकि वो मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर सके, ताकि उनका फर्म और उनका इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वो बिल्ड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे समझ आया कि अगर मुझे मिलियनेयर बनना है तो बेस्ट पॉसिबल मेथड है कि मुझे एक बिजनेसमैन ही बनना होगा। हाँ, कुछ जॉब्स है जैसे कि आप ब्रेन सर्जन बन सकते हैं या नासा में कुछ साइंटिस्ट बन सकते हैं तब जाके आप मिलियनेयर बन सकते हैं, पर ज़्यादा चांसेस यही रहेगा कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आपको एक बिजनेसमैन बनना होगा। तो यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो इस दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 1% सिर्फ 1% मिलियनेयर्स है। तो ये सेम ही रहेगा, पुराने ज़माने में भी सेम था, अभी भी सेम है और आगे भी सेम ही रहेगा। मतलब सभी पॉपुलेशन, सभी लोग मिलियनेयर्स नहीं बन सकते हैं। तो हमको एज अ इंडिविजुअल डिसाइड करना है कि किस ग्रुप में हम रहेंगे, 99% में या 1% में। तो वो डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। और फैक्ट यही है कि सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन, लॉजिकल थिंकिंग और माइंडसेट शिफ्ट से हम 99% लोगों से आगे रह सकते हैं। अगर आप किसी और के कंपनी के लिए 8 आवर्स सोललेसली काम कर रहे हो और 2 आवर्स स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम रील्स देखकर, वीकेंड में पार्टी कर रहे हो, बेसिकली आप सिर्फ वीकेंड के लिए जी रहे हो जॉब में, देन यू आर वंडरिंग व्हाई यू आर स्टक, व्हाई यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। सो यही हालत है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का। ऑन दी अदर हैंड, इलॉन मस्क ने अराउंड $100 बिलियन किया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मोर हावर्स ऑफ वर्क दैट ही पुट इन, इट्स बिकॉज ऑफ वॉट ही चूज टू वर्क ऑन। तो मेजॉरिटी लोगों का क्या होता है कि वो सीखते हैं उनके कॉलेज फिनिश होने तक, फिर उसके बाद वो जॉब पे जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली उनको कह लिया जाता है या ट्रेन कर लिया जाता है कि क्या करना है उनको। पर बिजनेसमैन ऑन दी अदर हैंड, उनका एजुकेशन कॉलेज, फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन के बाद शुरू होता है, वो हर चीज़ से उनको सीखना पड़ता है, उनके कॉम्पिटिटर्स से भी उनको सीखना पड़ता है। तो इसीलिए द फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनेयर बनने का जो टाइम लगता है ना, वो बहुत कम रहता है बिजनेसमैन को। तो मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जॉब और बिजनेस में। तो और एक टॉपिक में यहाँ कहना चाहता हूँ, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग हमेशा सोचते हैं कि बिजनेसमैन ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो एक्चुअली रियल बात यही है कि एम्प्लॉयज़ एंड ऑफ द डे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। देखो, एम्प्लॉयज़ को टैक्स, इनकम टैक्स ऐसा लागू होता है कि वो पहले इनकम करते हैं और उस इनकम पे उनको डायरेक्टली इनकम टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉई है, आप 20 लाख कमा रहे हैं ईयरली, 20 लाख के ऊपर अगर आपको 5% इनकम टैक्स पड़ता है तो इनकम टैक्स 5% आपको पे करना है। ऑन दी अदर हैंड, बिजनेसमैन को क्या होता है, अगर वो 20 लाख कमा रहा है उसके बिजनेस से ईयरली, तो वो सबसे पहले एक्सपेंस दिखाता है। अगर उसका एक्सपेंसेस 10 लाख है तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पे वो टैक्स पे करेगा 10 लाख पे। तो ये एडवांटेज है, मतलब एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस नहीं दिखाते हैं, उनको बेसिकली वो कितना इनकम हो रहता है ईयरली उस पे वो टैक्स पे करते हैं। पर ये बेनिफिट बिजनेसमैन को होता है। और अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, जैसे कि जीएसटी, तो जीएसटी में भी एम्प्लॉयज लोग ही ज़्यादा पे करते हैं। सपोज मतलब आजकल लॉकडाउन के बाद ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम आ रहा है और ज़्यादा लोग उनका कैबिन मतलब घर में ही बना रहे हैं, डेस्क, लैपटॉप टेबल, लैपटॉप सब कुछ रख के, उसके लिए ऑब्वियसली वो एक्सपेंस कर रहे हैं। सपोज आप एम्प्लॉई है, आपने कोई लैपटॉप टेबल या लैपटॉप खरीदा है घर में रहकर काम करने के लिए, तो उस पे जो आप जीएसटी पे करते हैं वो बस आपका एक्सपेंस ही हो जाता है। पर ऑन दी अदर हैंड, बिजनेसमैन उसके बिजनेस के लिए चाहे वो एसी खरीद रहे हो या लैपटॉप खरीद रहा हो या डेस्क खरीद रहा हो, उस पे जो भी वो जीएसटी पे करेगा वो उसका इनकम टैक्स वो क्लेम करता है, मतलब
परचेज करने के वक्त उसका जीएसटी नंबर वो देता है और मंथ एंड में उसको उसका इनपुट टैक्स भी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं उसको। तो जीएसटी में भी एम्प्लॉयज ही पे कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए इंक्लूड किया है इस वीडियो में, कई सारा लोगों को ये पता नहीं है, तो मैंने सोचा इस वीडियो के लिए वो सही रहेगा। तो अगर आपको पसंद आता है इसी तरह कॉन्सेप्ट्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी पर्सन मिलेनियर नहीं बन सकता है। जितना भी मिलेनियर्स आप देखते हैं, जितना भी टॉप 1% हाई अचीवर्स है, वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते ही है, वो है लेवरेज। तो आर्किमिडीज ने उनके बुक में लिखा था, गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड, आई कैन मूव द अर्थ। लेवरेज इज एन एबिलिटी टू डू मोर यूजिंग लेस। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है तो लेवरेज को आपको समझना और इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और लेवरेज में 3 टाइप्स आता है, उसको हम स्टेजेस ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं। उसमें लो लेवरेज, मीडियम लेवरेज और हाई लेवरेज। तो लो लेवरेज में बेसिकली आप 0 से 1 रुपीस करेंगे, तो ये मुश्किल का काम है, पर अगर आप 1 रुपीस कर सकते हैं तो आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं। और लो लेवरेज में आपका इनपुट और आउटपुट सेम रहेगा। उसका एग्जाम्पल है जॉब, जहां पर बेसिकली आपका टाइम को आप लेवरेज कर रहे हैं, आपके टाइम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं मनी जनरेट करने के लिए, टाइम को ट्रेड करना पड़ता है। और मेजॉरिटी लोग, मतलब 80% लोग यहीं पर स्टक रहते हैं लो लेवरेज में। ज्यादातर जो लोग जॉब करते हैं उनका टाइम वो बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, उनका टाइम वो उनके कंपनी के लिए दे रहे हैं और उन रिटर्न उनको पैसा मिल रहा है, तो ये लो लेवरेज होता है। पर स्टेजेस ऑफ वेल्थ अगर मैं कहूँ तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लो लेवरेज से ही स्टार्ट करना है, तो आपको बेसिकली आपका टाइम इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद सेकंड में आता है मीडियम लेवरेज। यहाँ पर आप बेसिकली 1 रुपीज से 10 लाख रुपीज करेंगे। तो जब मैं अमाउंट कह रहा हूँ कि 0 से 1 रुपीज या 1 रुपीज से 10 लाख, तो ये मेटाफोरिकली मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर्स मतलब फॉलो होता है, पर एग्जांपल के लिए मैंने वो नंबर्स लिया। तो मीडियम लेवरेज में 1 रुपीज से 10 लाख रुपीज आप करेंगे, तो इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, जो भी आपने अर्न किया है उसको लेवरेज करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे आपका स्किल्स डेवलप करने के लिए। और जो भी आपने स्किल्स डेवलप किया है वो यूनिक रहना चाहिए, मतलब ज्यादा लोगों के साथ, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन के पास वो नहीं रहना चाहिए। वो स्किल्स आप डेवलप करेंगे और उस स्किल को आप लेवरेज करेंगे, और उसी के साथ आपने जो अर्न किया है लो लेवरेज के साथ, मतलब जॉब करके, वो अमाउंट भी आप लेवरेज करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे बिजनेस करने के लिए, तो ये मीडियम लेवरेज होता है। तो जो ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर जो रहता है बिगिनिंग स्टेज में, वो मीडियम लेवरेज के स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ वेल्थ में रहते हैं। फिर आता है हाई लेवरेज, जो है 3rd स्टेज ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर आप देखते हैं टॉप 1% लोगों को, हाई अचीवर्स को, जो टॉप टेक एंटरप्रेनर्स रहते हैं बेसिकली हर एक उनके उनके फील्ड में, जो लेवरेज करते हैं उनके मनी को ज्यादा मनी करने के लिए। तो वो बेसिकली असेट्स को खरीदते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये यूनिक स्किल्स डेवलप करते हैं जो किसी के पास नहीं रहता है, और उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो करते हैं उनके मनी के साथ और उनका जो यूनिक स्किल्स के साथ, वो उनके आइडियाज को रियलिटी में लाते हैं, जिससे वो एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। तो ये है हाई लेवरेज। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो किस तरह मैं मिलियनेयर बनता हूं। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो ये अपने आप को आप रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लो लेवरेज, तो जहां पर मैंने पहले कहा था कि हम बेसिकली टाइम को इस्तेमाल करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। तो बिजनेस में हमेशा 2 टाइप्स रहता है, सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस। तो मैं सबसे पहले सर्विस बिजनेस से स्टार्ट करूंगा, पर मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टार्ट करने के वक्त मैं एक ऐसा स्किल्स डेवलप करूंगा जो बेसिकली फ्रीली अवेलेबल है, जहां पर मुझे कुछ पे ना करना पड़े स्किल डेवलप करने के लिए। और हम इस एरा में हैं जहां पर बेसिकली कोई भी स्किल्स हम सीख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्किल्स फ्रीली यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू। तो मैं वही से स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब के थ्रू मैं ऐसा स्किल्स सीखूंगा जो मैं बाकी लोगों को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकूं और अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकूं। ऑब्वियसली क्योंकि वो स्किल फ्रीली अवेलेबल है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी अगेन हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो मैं बेसिकली ऐसा स्किल सीखूंगा जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो और फोटो एडिटिंग। तो वो स्किल सीख के अकॉर्डिंगली उन लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा वो सर्विस, और उस तरह मैं इनकम जनरेट करूंगा। ऑब्वियसली कई सारा मंथ्स लग सकता है, पर उससे मैं मेरा स्किल्स भी डेवलप होता है, एक्सपीरियंस भी आता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर सकता हूँ मीडियम लेवरेज के लिए।
सेकेंड आता है मीडियम लेवरेज, जो सेकेंड स्टेज ऑफ वेल्थ है। यहाँ पर बेसिकली मैं सबसे पहले ऐसा स्किल सीखूंगा जो यूनिक है, जो ज्यादा लोगों के पास नहीं है। वो स्किल्स भी हम इस एरा में आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेस है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए, तो अगेन मैं ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं 2017 से एक्टिव हूँ और 2019 से बेसिकली मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, मेरा जो भी जर्नी है। तो ओवर द इयर्स वन ऑफ द मेजर रीजन मेरा सक्सेस के लिए यही था कि ऑनलाइन कोर्सेस, जिसके थ्रू मैं एक यूनिक स्किल सीख पाया, यूनिक नॉलेज, जिसको यूज किया मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, क्योंकि वो उनके पास वो नॉलेज प्रोसेस नहीं करते थे। तो मैं अगेन अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और मीडियम लेवरेज में हूँ, तो मैं सबसे पहले एक यूनिक स्किल सीखूंगा, फिर जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है उससे मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा जो मुझे तीन फ्रीडम प्रोवाइड करे, जो है लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मीडियम लेवरेज में बेसिकली आप ये जानते हैं दैट द अमाउंट ऑफ मनी यू गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा आपको इनकम आता है। और जैसे मैंने पहले कहा, जब आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो लोकेशन, टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, तो आपके पास ज्यादा टाइम रहता है बेसिकली हाई लेवरेज पे जाने के लिए। तो कई सारा बिजनेसेस है जहां पर आप लो इनकम कर सकते हैं और हाई इनकम कर सकते हैं, पर मीडियम लेवरेज पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ऐसा बिजनेस पिक करना है जो ये तीन फ्रीडम प्रोवाइड करे, ताकि आप आपका बिजनेस और आपका ओवरऑल वेल्थ स्केल कर सकते हैं। तो इस एरा में अगर मैं कहूँ तो ये तीनों फ्रीडम प्रोवाइड करने वाला बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, वो है ई कॉमर्स। तो मेरे हिसाब से एक कंप्लीट बिगिनर एंटरप्रेन्योर को ई कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए, जहां पर बेसिकली आप फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं नेशनली और आपको सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ता है। तो मैं वही से स्टार्ट करूंगा। फिर आता है थर्ड स्टेज ऑफ वेल्थ, जो है हाई लेवरेज। यहाँ पर बेसिकली जो मैंने अर्न किया है उसको मैं डिवाइड करूंगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सबसे पहले आता है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट, और वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहता है और सेफ रहता है हमारा इन्वेस्टमेंट और इनकम वहां पर। और एक बेनिफिट क्या है कि रियल एस्टेट से, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोन ले सकते हैं, जिससे हम और ज्यादा असेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर मुझे आप फॉलो करते आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं ऑलरेडी कर दिया है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया है। तो मैं एक्चुअली अमेजोन एफ बी प्राइवेट लेबलिंग करता हूं, तो उसी से मैं अफोर्ड कर पाया हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट आता है स्टॉक्स। तो देखो दोस्तों, अगर आप सेकेंड स्टेज पे है या फर्स्ट स्टेज पे है, मतलब अगर आपके पास 10 लाख से कम है, तो आपको सोचने भी नहीं चाहिए स्टॉक्स के बारे में। मैं यहाँ डे ट्रेडिंग के बारे में नहीं कर रहा हूँ। तो थर्ड स्टेज ऑफ वेल्थ में लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक्स खरीदूंगा जो एटलीस्ट 10-15% ईयरली रिटर्न दिला दे। फिर आता है हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बेसिकली ऐसा इन्वेस्टमेंट मैं डालूंगा जो अगर मैं खो भी लेता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बेसिकली हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट जैसे कि क्रिप्टो कॉइन्स, बिटकॉइन में रहेगा, जहां पर मैं इन्वेस्ट करूंगा और ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा जो अगर मैं खो भी लेता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तीन इन्वेस्टमेंट मैं डिवाइड करूंगा और उसी के साथ मैं यूनिक स्किल्स भी सीखता रहूंगा। देखो जहां पर भी किसी भी स्टेज पे हो आप, आपका इनकम लेवल इसी पे डिपेंड होता है कि आप कैसा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास स्किल्स रहना है, और वो स्किल्स कितना यूनिक रहता है उतना आप डिफरेंट बन जाते हैं, उतना आप एक्सक्लूसिव बन जाते हैं बाकी लोगों से। तो उस पे भी मैं इन्वेस्ट करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक ऐसा चीज पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मैं मेरा आइडियाज को रियलिटी में लाए। देखो जितना भी टॉप एंटरप्रेनर्स है सभी लोगों ने यही किया है, चाहे इलोन मस्क हुआ हो, मार्क जुकरबर्ग हुआ हो, और काउंटलेस लोग हैं जो उनके आइडियाज को रियलिटी में ला चुके हैं, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए। तो मैं वही करूंगा। तो मैं बेसिकली वही स्टेज पे हूँ। मेरा यूट्यूब अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं, मैं अभी एक सॉफ्टवेयर टूल भी क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरा पहला एक्सपोजर रहेगा मेरे आइडियाज को रियलिटी में लाने के लिए। तो इस तरह मेरा रोड मैप रहेगा मिलियनेयर बनने के लिए। तो जैसा मैंने मीडियम लेवरेज में कहा था, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ वेल्थ, मैं अज्यूम करता हूं कि आप में से कई सारा लोग सेकंड स्टेज पे ही स्टक है, और अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो 2024 में किस तरह आप ई कॉमर्स कर सकते हैं विद लाइव एग्जांपल्स, मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप चेकआउट कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके, और सारा मेरा रिसोर्सेस मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे सोशल मीडिया में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।